ऐसे ऐसे हमारे एमपी हैं जिनको कभी किसी ने देखा नहीं, और आपको जानकर बहुत दुख होगा दोस्तों। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमेशा जब भी लोकसभा के कैंडिडेट होते हैं या लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनका एक कार्यकाल के बाद सबका एक लिस्ट आता है जिसमें उनके नंबर आते हैं कि किसने कितनी सांसद नीति इस्तेमाल की। ना कि प्रतिभा जी ने कहीं दौरे नहीं लगाए, वो तो एक बात है, इतनी त्रासदी आई, इतने गरीब लोगों के घर गए, इतने जन धन की हानि हुई, लोगों के पशु बह गए, लोगों के खेत गिर गए, दंगे गिर गए, घर गिर गए, इतनी हानियां हुई, आपको जानकर बहुत दुख होगा। जिन नेताओं ने, जिन एमपी ने अपनी बिल्कुल सांसद निधि यूज नहीं की, लास्ट के तीन लोगों में से एक नाम प्रतिभा सिंह का था, उनको दया नहीं आई मासूम हिमाचल की जनता की, उन्होंने एक सांसद निधि की एक पाई किसी को नहीं दी दोस्तों। ऐसी कठोर, ऐसी भावहीन, उनको दया नहीं आई हिमाचल की गरीब जनता पर, वो करोड़ों रुपए कहां गए सांसद निधि के, ये जानना, ये प्रश्न करना हमारा हमारा हक है और हम करेंगे और हम कर रहे हैं दोस्तों। इनके जो मंडी के प्रत्याशी हैं, एक दिन तो वो आते हैं और रोते हैं कि खुद कहते हैं, हमारे कहने से बहुत पहले खुद कहते हैं कि कांग्रेस की बेकार सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो हम किस मुंह से लोगों के पास वोट लेने जाएंगे। ये खुद प्रतिभा जी और उनके बेटे का बयान है ये, और रिकॉर्ड उन दोनों ने बोला हुआ है ये, और ये कहते हैं हम कौन सी शक्ल लेके लोगों के पास, या हमारे खुद के कार्यकर्ताओं के तक तो हमने काम करवाए नहीं, ऐसी निकम्मी और नकारी सरकार है। और फिर दोनों माँ बेटा जो हैं फिर से कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि राहुल और प्रियंका एकदम बेकार है, मोदी जी के सामने इनकी कोई क्लास नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये भी प्रतिभा जी ने खुद ही कहा हुआ है, हमारे कहने के बहुत पहले उन्होंने खुद कहा हुआ है, जब उनको कहा गया था कि आप क्या चुनाव लड़ेंगी कंगना के सामने, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही बहुत ही ज्यादा जो है वो असक्षम है, मोदी जी के सामने उनकी कोई कोई हैसियत नहीं है, वो मोदी जी कहाँ और ये कहाँ, और हमारे पास बजट नहीं है, हमने लोगों के काम नहीं कराए हुए हैं, इस तरह के इन्होंने बयान दिए हैं। अब हमारे लिए बताने को रहा ही क्या है, इनके जो काले चिट्ठे हैं वो जनता के सामने खुल चुके हैं। और राजा बाबू हैं, वो कहते हैं कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, और फिर कहते हैं सियापति हनुमान की जय, कोई होश ही नहीं है उनको। अभी कल भी उन्होंने कह दिया कि जवाहरलाल इंदिरा गांधी हमारी पहली राष्ट्रपति थी और जवाहरलाल नेहरू जो 22 साल जेल में थे। तो इस तरह के जो राजा बाबू है, ये सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर हो सकते हैं, ये देश के कोई नेता या प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, और देश की जनता इनको जवाब देगी। परिवारवाद की दीमक से यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इसके आगे अब जनता जनार्दन है, जनता इन्हें इनका स्थान दिखाएगी। और दोस्तों हमारे तपस्वी, हमारे त्यागी, हमारे योगी मोदी जी को हम 4 की 4 सीटें देंगे और 90% हम वोटिंग यहाँ पे करेंगे।